हेलो दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यार और विश्वास दिया केवल 2 दिन के अंदर ही, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली फुलफिल होगी, ये मेरा वादा है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं कुछ चेंज देखना चाहता हूँ अपने आने वाले स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, देखिए आप, मैं या और कोई भी हो, हम में से काफ़ी बच्चे जो तैयारी करते हैं वो एक बात ये सोचते हैं कि भाई पेन फ्री सॉल्यूशन किया जाए। हम उसके लिए कोचिंग जाते हैं, चाहे आप एक्स वाई जेड कहीं भी जाते हो या मेरे से ही पढ़ते हो, सब बंदे ये सोचते हैं कि भाई कोचिंग जाएंगे, पेन फ्री आदत हो जाएगी, 5 सेकंड में सॉल्यूशन निकल जाएगा। पर ऐसा कई बार हो भी पाता है और कई बार नहीं भी हो पाता है। मैं एक बात हमेशा मानता हूँ, देखिए क्योंकि मैं एक फिजिक्स सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, यानी साइंस से रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं हमेशा एक चीज़ पे बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका माइंड एक्टिव नहीं है तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, बाहर में फॉरेन कंट्रीज़ में और हमारे देश में केवल यही फ़र्क रहता है, हम मैक्सिमम स्टडी जो करते हैं ना अपनी, वो रट रटा के करते हैं, यानी लर्निंग वर्क ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम होता है। जैसे कि आप अगर ये देखें, अगर हम सोल्यूशन जब बनाते हैं क्वेश्चंस का, जब भी मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाता हूँ तो एक बात देखता हूँ, जैसे मैंने क्लास में कोई सॉल्यूशन लिखवाया है, यहाँ पर होता क्या है, स्टूडेंट ने वो लिखना शुरू कर दिया, उसने नोटबुक में लिख दिया। अब वो अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा उस चीज़ को बिना पेन से करने के लिए। जब वो कोशिश ही नहीं करेगा बिना पेन से करने के लिए, तो पेपर में किस तरीके से कर पाएगा? तो ये एक मेन बड़ा दिक्कत है। लेकिन सपने हमारे सबके हैं। देखिए, ऐसा लिखना बहुत आसान होता है कि पेन फ्री मेथड हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने भी एक सीरीज आज से स्टार्ट करी है, पेन फ्री हैबिट्स फॉर सिलेक्शन, और इसके नीचे लिखा है मेरा दिमाग ही मेरी पहचान, और ये सबसे बड़ी बात लिखी है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि पेन फ्री हैबिट्स आपको कैसे बिल्ड करनी है और उनका फ़ायदा क्या है। क्यों ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 2 लाख मेंस में जाते हैं और 8,000, 5,000, 7,000, 10,000 इतनों का सिलेक्शन हो पाता है। केवल आदत है और कुछ नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। देखिए, आज के जो सेशन है इसके अंदर तो हम मैक्सिमम यही देखेंगे कि भाई चीज़ें अलग क्या हैं, इन्हें करना कैसे कैसे है, वो आने वाले सेशंस में आपको पता लगेगा। उसमें आप ये देखेंगे चीज़ें अलग अलग किस तरीके से आप खुद भी कर पा रहे हैं, यानी खाली बोलना नहीं है कि मैंने बोल दिया कि पेन फ्री मेथड या 5 सेकंड में सॉल्यूशन, ये बोलना बहुत आसान होता है। ठीक है, मैंने बोल दिया पेन फ्री कराऊंगा, 5 सेकंड में सॉल्यूशन कराऊंगा, इतना पेपर इतनी देर में हो जाएगा, पर ये ना यहाँ तक ही सीमित रहता है, केवल क्लास तक। मैं सच बात बताऊँ आपको, जब तक आप अपने दिमाग पे खुद काम नहीं करेंगे तब तक पेपर में ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए, बाहर में और यहाँ में यही फ़र्क रहता है। बाहर जो बच्चे होते हैं वो अपने ब्रेन पे काम करते हैं, हम जो काम करते हैं वी आर द फॉलोअर्स, हम क्या करते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं, और फॉलो करते करते हमें लगता है कि यही है। देखिए, मैं जब तैयारी करता था मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई फाइनली जो भी है, देखिए चाहे कोई बच्चा मेरे से पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, आप एक बार बताइए, अगर आप मेरे से पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या किसी एक्स वाई जेड से भी पढ़ रहे हैं, पेपर में कोई किसी के साथ नहीं जाना है, ना मैं आपके साथ जाऊंगा ना कोई और आपके साथ जाएगा, पेपर में फाइनली आपका तजुर्बा और आपका दिमाग, वो दो चीज़ें आपके साथ जानी है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, उन पे काम किया जाए। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दिमाग की, दिमाग हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ठीक है, और मेन बात यह है कि दिमाग सही जगह अगर आप लगाते हैं, जैसे कि एक बेसिक कैलकुलेशन ही होती है, जैसे कई बच्चे सपने देखते हैं कि हाँ पेन फ्री करूंगा, और मैं इस बात की दावा करता हूँ कि मैं 70% कोर्स बिना पेन के पढ़ा सकता हूँ। कोई भी आके चैलेंज कर सकता है मेरे को, मैं 70% कोर्स बिना पेन के पढ़ा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश भी पेपर में ही करता था कि भाई 50% या 60% क्वेश्चन ऐसे हों जो पेन फ्री हो सके। ठीक है, पर वो पेन फ्री करने के लिए एक आदत आज से डालनी होगी। जब तक वो आदत आज से नहीं डलेगी, पेपर में जाके वो पेन फ्री कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, जो चीज़ आपकी आज में नहीं है ना, वो कल कभी नहीं हो सकती। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहूं क्वेश्चंस की, अलग अलग क्वेश्चन बना लिए, डिफरेंट क्वेश्चन बना लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन बना लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लिए,
क्वेश्चन बनाना एक अलग चीज है, सिलेक्शन लेना एक अलग चीज है। देखिए सिलेक्शन लेने के अंदर बहुत सारी चीजों का रोल आता है, जैसे कि आपने देखा कॉन्सेप्ट का, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का, फिर आप देखते हैं ट्रिक्स वगैरह का, और फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन का। वो सारी चीजें जरूरी हैं, कोई एक चीज जरूरी नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मतलब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन, ट्रिक मतलब आप चीजों को जल्दी कैसे दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मतलब उसका मीनिंग क्या है, एग्जीक्यूशन मतलब जो भी आपने पढ़ा है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन कैसा है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगा आपके सामने, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये अगर क्वेश्चन सामने है, इस क्वेश्चन को देख के हर बच्चे का रिएक्शन अलग अलग रहेगा। और रिएक्शन अलग अलग पता है क्यों रहेगा, क्योंकि हर बच्चे का जो अपलिफ्टमेंट है, यानी जो उसे एजुकेशन दी जा रही है, वो अलग अलग टाइप की है। कोई बच्चा किसी मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से करता है, और ऐसा नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही है। आप अपने दिमाग से चीजें किसी भी टीचर, किसी भी स्टूडेंट, हर एक से ज्यादा कर सकते हैं, पर मेन बात यह है कि आपको ये बात ही ध्यान रखनी है कि मेरा दिमाग ही मेरी पहचान है, यानी आपका ब्रेन जो आपको दिला सकता है ना, वो आपको कोई भी नहीं दिला सकता। तो ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है पेन फ्री हैबिट की, ये सीरीज लगातार अभी आगे थोड़े टाइम तक आएगी, जब तक आपको ये आदत ना पड़ जाए, ये बात साबित ना हो जाए कि भाई हाँ पेन फ्री हम कर सकते हैं। पर मेन बात ये है हमें खुद पे विश्वास करना है। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आइए पहला क्वेश्चन लिखता हूँ आज का मैं। पहले आपको इसके फायदे देखने पड़ेंगे, जब आप इसके फायदे देखेंगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ डेली बेसिस में हमें भी ऐसा करना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन है रेशियो का। जैसे आज मैंने कुछ एक क्वेश्चन रेशियो के लिए, पर हमें ये देखना है सारे क्वेश्चन पेन फ्री कैसे करने। दो संख्या का अनुपात दे रखा है, 3:5, 9 घटाया जाता है प्रत्येक में से, तो अनुपात बदलकर 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या थी, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मुश्किल भी आते हैं, आसान भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं। मेरा जो करने का तरीका था वो यही था कि भाई आसान और एवरेज क्वेश्चनों को तो ऐसे ही निकालो पढ़ते पढ़ते। अब जैसे आपको मैंने डिजिटल सम पढ़ाया, MG कॉन्सेप्ट भी होता है, रिमाइंडर थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन, वो सब तो है ही है, पर इसके अलावा मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों से मैं नहीं कर रहा, तो भी मेरे पास ब्रेन है, मैं पेन फ्री कर सकता हूँ उस चीज़ को, और उस चीज़ की आदत होती है। आदत आपकी डल जाएगी, पर लगातार आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, लगातार वीडियोज़ देखें, आदत डेफिनेटली पड़ेगी। आइए देखते हैं इसके अंदर, देखिए मैं तरीके दिखाता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। पहला नंबर 3x, दूसरा 5x, इसमें से 9 घटाया, इसमें से 9 घटाया, ये 12:23 हो गया। ये हो गया पहला तरीका इसे करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, 3:5, 12:23, प्रत्येक में से 9 घटाया गया, इसका मतलब दोनों का जो अंतर है वो समान रहेगा। इसका अंतर कितना है, 2 है, इसका अंतर कितना है, 11 है, यानी अंतर समान होना चाहिए, इंटू 2 इंटू 11, तो आपने देखा ये 33 हो गया, ये 55 हो गया, ये 24 हो गया, ये 46 हो गया, अंतर आ गया 9 यूनिट का, और 9 ही आपको दे रखा है, 33 आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, 23 3 69, 12 5 60, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 12 9 108, 23 × 9 यानी 99, 1 11 3 33, 3 आ गया। चौथा तरीका अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं MG कॉन्सेप्ट लगाता हूँ,
अभी मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए ब्रेन की पावर कितनी सही होती है, यानी मेन चीज जो आपके है ना वो ब्रेन में है। अब आप देखेंगे 27-28 साल तक हमने जो ब्रेन का इस्तेमाल कम से कम किया है, ठीक है। अभी मैं एमजी कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन बताता हूँ, फिर इस चीज़ पे आते हैं। ये भी आपने देखा हुआ है, पहले की वीडियोस आपने देखी होंगी मेरी। अगर आपने देखा 3:5 में है, पहली बात छोटी संख्या पूछी है, 3 से भाग होनी चाहिए, 3 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, 9 घटाने पर 12 से भाग होनी चाहिए। 9 घटाएंगे आप इसमें से तो 18 आएगा, ये 24 आएगा, ये 12 से भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा। चौथा तरीका हो गया। पांचवा तरीका, सभी बच्चों के अलग अलग मेथड है, देखिए ये ऐसे भी करेगा बच्चा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, और इन्हीं चीज को पेन फ्री भी करेगा। आइए देखते हैं आगे आगे कैसे कैसे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए छोटी संख्या का अनुपात आपको बताना है, 2:3:5 में। मैंने देखा क्या ऑप्शन में कोई 2 संख्या ऐसी है जो 3:5 में है, ये दिख रही है मेरे को 33 और 55। अगर ये संख्या होती है, वेरीफाई कर लेते हैं, 33 में से 9 गया 24, 55 में से 9 गया 46, ये 12:23 आ गया, ये वही है जो दे रखा है, तो छोटी संख्या आपकी वेरीफाई हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब आते हैं छठे तरीके पे। देखिए क्वेश्चन एक है, सॉल्यूशन करने का तरीका सब बच्चों का अलग अलग है और उसके हिसाब से टाइम अलग अलग लगेगा। अब मैं छठे मेथड पे आता हूँ। छठा मेथड जो है वो बेसिकली क्या है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, ये बेसिकली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज किस तरीके की है, देखिए डेली बेसिस पे ना आप 100 ही क्वेश्चन करते होंगे, पर आप कभी भी ये कोशिश नहीं करते क्यों ना मैं ऐसा बैठ जाऊँ यूं करके बुक सामने रखूँ और क्वेश्चन पढ़ूँ और सोल्यूशन आ जाए, कभी आपने बहुत कम कोशिश किया होगा ऐसा। अब आपको ये पता है कि पेपर में फाइनली जाके आपको क्या करना है, बैठना है और सामने स्क्रीन है, और अगर स्क्रीन पे पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन आ जाता है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बार बार यूँ देखूंगा और बार बार यूँ लिखूंगा, बार बार देखूंगा बार बार लिखूंगा, इसमें अलग से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, देखिए मैं शुरू से इस हैबिट पे रहा हूँ, और ये हैबिट देखिए बिल्ड कहाँ से होगी, पहले तो आज ये बताया जा रहा है ये चीज़ें जनरेट करनी जरूरी क्यों है, फिर नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें ये बताया जाएगा ये चीज़ें जनरेट कहाँ से होंगी, बिल्कुल रूट लेवल से उठाऊंगा देखिए मैं, और रूट लेवल से आपको सीखना पड़ेगा, केवल उन बच्चों का ही वेलकम है जो ये सीखना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी देखिए अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि लगातार हमारा मेथड हम बनाए जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप उस पर कंटिन्यू रखिए, पर मेरा मानना ऐसा है कि जो काम ब्रेन जल्दी कर सकता है उससे जल्दी कोई टीचर कोई नहीं कर सकता, यानी हर बच्चे की ना ब्रेन की कैपेसिटी देखिए अलग अलग होती है, पर इस्तेमाल करने पे पता लगता है कि चीज कितनी जल्दी हो पाएगी। अब जैसे मैं इस पे आता हूं, मान लेते हैं यही मेथड है, आप घर पे क्वेश्चन करते हैं ना, मान लेते हैं किसी बच्चे ने इस मेथड से किया, ठीक है। अब मैं उसी बच्चे से कहूंगा कि भाई आप ऐसा करिए, अब आपने एक बार कर लिया ना इसे, अब आप ऐसा करिए पेन छोड़िए, सॉल्यूशन छुपाइए, अब देखिए क्वेश्चन को, क्योंकि मेथड आपको पता लग गया कि मेथड कौन सा यूज होगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जब मैंने देखा है 3:5 है, ये 12:23 है, दोनों का अंतर समान रहेगा, अंतर यानी इसका 2 हो गया, इसका 11 हो गया। अब मैंने बोला कि भाई अंतर समान करने के लिए इसे 11 से गुणा करिए, 33 हो गया 55, ये 33 55 हो गया, इसे 2 से गुणा करिए, 24 46, 33 55 24 46, 33 में से 9 गया 24 55 में से 9 गया 46, ठीक है। तो आपने देखा ये तो वेरीफाई हो गया भाई, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, छोटा नंबर यानी 33 आंसर हो गया, 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा तरीका तो नहीं बताया आपको, पर मैंने एक ऐसा चीज बताई आपको कि भाई पेन फ्री अगर मैं करना चाहूँ, इन चीज़ों को भी पेन फ्री कर सकता हूँ। देखिए ये चीज़ मैं क्लास में भी जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाता हूँ कि भाई ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बच्चा इस तरीके से पढ़ के जाएगा वो तो हर वक्त तैयार है एग्जाम के लिए, उसे इस चीज़ की टेंशन नहीं, पेपर दो ये करो वो करो, वो सीधा दिमाग लगाना जानता है, और मैं बताऊंगा आपको इस चीज़ के लिए बेस लेवल पर कैसे काम करना है, ठीक है। तो देखिए आंसर जल्दी आ गया, पेन नहीं लगाया मैंने, ये मैंने काट दिया। अब मैं आता हूँ दूसरे मेथड पे, हो गया छठा मेथड। अब आते हैं सातवें तरीके पे। सातवां तरीका क्या है, तरीका कुछ नहीं है,
केवल क्या है, जो चीजें मैं पेन से कर रहा हूँ वो मैं बिना पेन के भी कर सकता हूँ। देखिए आज पता है क्या होगा, आज आप ये करेंगे रेशियो, फिर आगे प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, SICI, ये वो आगे जाते रहेंगे। फिर एक टाइम आएगा मैं कहूँगा आपको, देखिए ज्योमेट्री है ना, डायग्राम बन गया, ट्राइंगल बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, यहाँ से ये रे यहाँ जाएगी, ये वाला एंगल इतना, ये एंगल इतना, ये एंगल इतना, ये आंसर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, पर बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो इस तरीके से कर सकते हैं, पर वो जब होंगे जब आपने रूट लेवल पे काम किया होगा। अगर आपने उम्मीद करी है ना कि 5 सेकंड में आंसर आए, पेन फ्री आंसर हो जाए, तो उसके लिए आपको ब्रेन को शार्प करना पड़ेगा, कोई टीचर नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो आपको ब्रेन शार्प करना है, बेसिकली बात यह है। देखिए हमने भी तो ऐसे ही किया है, केवल ब्रेन शार्प किया है, और मैं आपको एक बात बताऊं, केवल रूट लेवल पे काम किया है, एक एक चीज पे, प्लस कैसे जल्दी होगा, माइनस कैसे, गुणा कैसे, डिवाइड कैसे, और इसकी भी एक सीरीज आएगी। अब देखिए अगर मैं इस पे जाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ना आप में से बहुत बच्चे लगाते हैं, और मेरा मानना ही है क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए डायरेक्ट लगाने की। आइए देखते हैं डायरेक्ट कैसे लगेगा, मैं हटा देता हूँ ये सारा। ये हटा दिया मैंने सारा, अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए देखिए सबसे पहले मेन बात पता क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मुझे पता लग गया, उसके बाद तो देखिए अब आदत है मेरी, वो डिपेंड करेगा मेरे पे। आपको पता है 3, 5, 12, 23, 9, 9, 23, 3, 69, 12, 5, 60, 23, 3, 69, 12, 5, 60, अंतर आ गया 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 9, 23 × 9, तो 23 − 12 × 9 यानी 99 हो जाएगी। तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर 99 है, यानी 11 × 3 यूनिट की वैल्यू 33 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें चीज कहां पर आई, देखिए आप ये देखिए आपको काम कहां कहां करना पड़ा। सबसे पहले 3:5 है, आपने ये कहा 23 × 3, 69, 12, 5, 60, अंतर निकाला तो क्या आया 9। अब इस 9 को दिमाग में रोकना पड़ेगा, पहली बात तो स्टार्टिंग में ये दिक्कत आएगी, ये दिमाग में नहीं रुकेगा, और वो चीज मैं बताऊंगा आपको इसे रोकना किस तरीके से। आज की वीडियो में हम केवल ये देख रहे हैं कि फायदे क्या क्या हैं, जब तक आपको फायदे नहीं पता लगेंगे तब तक आप इसके लिए इंकरेज भी नहीं होंगे। देखिए मेन बात है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, जो काम आपका ब्रेन कर सकता है वो हाथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ब्रेन में आपको आदत डालनी है इस चीज की कि वो नंबर अडेप्ट कर ले, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे हम देखिए नेक्स्ट वीडियोज में, पर अभी आपको समझना है फायदा इसका। आगे आपने देखा 9 यहां पर आएगा, 12 × 9 − 23 × 9, तेईस माइनस बारह हो गया 11, 11 × 9 यानी 99 हो गया, और इसका 11 गुना, इसलिए आपने 3 का भी 11 गुना कर दिया। देखिए मैं बता रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, कोशिश करिए बिना पेन के करने की, गलती आएगा ना, गलती निकालिए पहले। ABCOD मिलकर ₹60 का एक उपहार खरीदते हैं, ए शेष की तुलना में एक बटा दो अदा करता है, बी शेष की तुलना में 1/3 अदा करता है, और सी शेष की तुलना में 1/4 अदा करता है, तो डी कितने देगा। देखिए आगे के क्वेश्चन अभी मैं ऑप्शन वगैरह से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ ना, MG कॉन्सेप्ट वगैरह हम लगा रहे, केवल हम ये देख रहे हैं कि किसी बच्चे के पास अगर ये नहीं भी है ना तो भी वो सिलेक्शन ले सकता है। वो कैसे ले सकता है, केवल वो विल पावर स्ट्रांग रखे कि भाई हाँ मुझे पेन फ्री करना है और जल्दी से जल्दी करना है।
जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, मेन बात ये है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होने के बाद जो डिपेंड करता है वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे को पढ़ाना हुआ ये क्वेश्चन, जैसे क्लास में भी मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ डायरेक्टली समझ आए बच्चों को क्योंकि अगर आप देखिए इस तरीके से लिखेंगे ए बी प्लस सी प्लस डी 1/2, 1/3, 1/4, फिर आपने देखा ये टोटल ये टोटल ये टोटल सेम होना चाहिए, 3, 4, 5। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि ये ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है। तो आपने देखा एक ऐसा नंबर जो इसे 5, 4, 3 से भाग हो सके 60 हो गया, इसे 20 से गुणा कर देंगे, इसे 15 से, इसे 12 से, 20 से करेंगे 20 आ जाएगा ये 40, 15 से करेंगे 15 आ गया ये 45, 12 से करेंगे 12 आ गया 48। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, टोटल है 60। 60 में से आपने ये घटा दिया, 20 - 15 - 12, ये आपका 13 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझाने वाले ने भी सही समझाया, जिसने क्वेश्चन किया उसने भी सही किया, गलती दोनों में से किसी की नहीं, पर मेन बात यह पेपर में नहीं किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पढ़ाया आपको बिल्कुल सही गया है, पढ़ाया बिल्कुल भी गलत नहीं गया। अब आगे का रास्ता जो है वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। खुद किस तरीके से निकालना पड़ेगा? देखिए इस तरीके से नहीं करना मेरे को। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, सीधा सीधा पढ़ेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आसान क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन, मैं मुश्किल क्वेश्चन भी लूँगा आसान भी लूँगा, पर फिलहाल पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन में भी काफ़ी सारा टाइम बच सकता है, हम क्यों लिखें इतना। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट। आपको पता है टोटल जो मिलेगा वो 60 होना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 60 है, 1 की 20, 4 की 60 है, 1 की 15, 5 की 60 है, 1 की 12, तो ये हो गया आपका 47। 60 में से घटाएंगे 13 आंसर हो जाएगा। और ये भी मैंने देखिए अभी आपको लिख के बताया, ये अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होगा मैं लिखूंगा नहीं, डेफिनेट है। आप ये चीज़ आके ना कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब कभी भी आइए मेरे पास क्वेश्चन पूछने की, सर ये वाला क्वेश्चन है कैसे होगा। मैं कोशिश यही करता हूँ 60 से 70% क्वेश्चन बिना पेन के बताए जाए। ठीक है, उससे देखिए मेरी भी एक हैबिट है शुरू से ऐसे करने की, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको भी इस चीज़ का फायदा रहे। यानी डायरेक्ट अगर आप देखते हैं 3 की 60, 1 की 20, 15 और 12, तो 37 हो 47 हो गया, 60 में 47 गया, 13 आ गया, तो पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन एकदम हो गया। पर पहले कॉन्सेप्ट पूरा पता होना जरूरी है, यानी मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता है पर मैं पेपर में नहीं करूँगा ऐसे, क्योंकि मेरे को लिखने वाला पार्ट अवॉइड करना है। ठीक है, आइए अगले पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का 2:3 और 4:5 क्रमशः है, यदि वर्तमान कुल आय 43,000 है तो बी की पिछले वर्ष आय थी 43,000। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, अगेन मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल हार्डली बताता हूँ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ले आइए आप
10-15-20 सेकंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इतना है वो। इसलिए क्योंकि देखिए आपने तैयारी कर ली एक बार, ठीक है, एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए सिलेक्शन के अंदर कि जो बच्चा आपने, आप ये देखता है कि मैं यहां से मेरे को यहां तक जाना है, ठीक है, अगर वो यहां तक पहुंच गया है और सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसे आगे पे काम करना चाहिए, पीछे दोबारा से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए। अब मैं कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया, जैसे आपने वीडियोस भी मेरे काफ़ी सारे देखे, DS कॉन्सेप्ट, DA कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, SEMG कॉन्सेप्ट वगैरह भी है जो आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, पर सारी चीज़ें अलग हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है ना तो भी मैं आंसर बिना पेन के मार्क कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने होमवर्क किया है। होमवर्क किस तरीके से किया देखिए, वो आपको पता लगता रहेगा लगातार जैसे जैसे आगे की वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो आपको भी वो होमवर्क करना है। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ए और बी की आय का योग दे रखा है, देखिए 3:5 लास्ट ईयर, इसी तरीके से ए की पिछले वर्ष की और इस वर्ष की, और बी की दे रखी है, देखिए तरीके काफी सारे हैं। मेन बात यह है कि फाइनल निचोड़ आप ध्यान रखें, कि क्वेश्चन ये निचोड़ ये है, आंसर सीधा देख के पेन से सीधा मार्क कर दिया आपने। अगर आपने देखा लास्ट ईयर सैलरी 3-5 है, ये 2-3 है, ये 4-5 है, अगर कॉन्सेप्चुअल बात देखी जाए तो कॉन्सेप्चुअल बात क्या कहती है कि इस साल का रेशियो निकाल लिए पहले तो ए और बी का, और अगर वो पता लग गया तो आपका आंसर आ जाएगा। वो पता लगाने के तीन चार दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है, अगर मैं देखता हूँ ए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ए में इंक्रीमेंट हो रहा है 1/2 का, यानी आधा इंक्रीमेंट हो रहा है, आधा इंक्रीमेंट मतलब हो गया 50%, या तो आप कह सकते हैं हाफ इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं ये कर दूंगा 3+3/2, और बी में मैं देखता हूँ 1/4 इंक्रीज हो रहा है, तो 5+1/4 ऑफ 5। दूसरा तरीका ये हो गया कि ए में 50% इंक्रीज हो रहा है, बी में 25% इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने ये देख रहा कि भाई ए में 50% इंक्रीज हो रहा है, यानी 150% हो गया 4.5, ठीक है, और उसमें 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी 5/4 से गुणा कर देंगे। तीसरा तरीका देखिए, रेशियो निकालने के बाद तो आंसर आ ही जाएगा बहुत आराम से, पर मेन कहानी यहां तक की है। तीसरा तरीका, 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, 1/3, अगर ए के लिए बात करी जाए, जो 1 रुपये सैलरी थी पिछले साल वो इस साल 3/2 हो गई, तो जो 3 रुपये थी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/2, ये आपकी 9/2 हो गई, ए आ गया 9/2। अगर मैं इस तरीके से बी निकालता हूँ, 4 से 5 हो गई, 1/5, 5/25। ठीक है, फिर मैं रेशियो निकाल के आंसर निकाल लेता हूँ। तो ये तीनों तरीके हो गए, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ध्यान से एक बात देखता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, करते करते चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। आपने देखा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसका उल्टा, और जो इसका उल्टा आया उसी को आपने 3 से गुणा कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, इसका उल्टा, उसी को आपने 5 से गुणा कर दिया। तो अब इस चीज़ को मैं डायरेक्टली ध्यान रखूंगा। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी, अब मेरे सामने क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में मैं कंक्लूजन पे क्या पहुंचा, जो इसका उल्टा है वो इससे गुणा हो जाएगा, जो इसका उल्टा है वो इससे गुणा हो जाएगा। इसका उल्टा हो गया 3/2, 9/2, 25/4, 9/2, 25/4, 2 से घटा 4 यानी 2 आ गया, तो 25 ये है तो ये 18 हो जाएगा, 25 और 18 यानी 43 हो जाएगा, 43 की वैल्यू 43,000 है, 18 की वैल्यू 18,000 आ जाएगी, 25 की वैल्यू 25,000 आ जाएगी। आपसे पूछा है लास्ट ईयर सैलरी ऑफ बी, इस साल की बी की सैलरी आई है 25,000,
पिछले साल की मेरे को निकालनी है। अगर आपने देखा बी के बारे में ये दे रखा है, 5 की वैल्यू 25,000 तो 4 की वैल्यू 20,000, 20,000 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन जो मैंने किया आपके सामने, लिखा कुछ नहीं है उसके अंदर, कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, साथ के साथ आपको चलना है, चीजें इस हिसाब से करनी है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। लिखने वाला पार्ट नहीं है, आंसर मैंने सीधा निकाल दिया, यानी मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट ही देखा। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए आपको ना कईयों को ये भी लग रहा होगा कि भाई ऐसा एक आध आध क्वेश्चन में हो जाएगा या सिर्फ को क्वेश्चन पहले से पता होंगे, है ना। तो इस बात को मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, मेरे सामने लाइए क्वेश्चन, मैं करके दिखाऊंगा बिना पेन के, ठीक है। मेन बात क्या है, एक आदत है और कर कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, हो सकता है मैं 50% कर पाऊँ, ऐसे ऐसे बच्चे हों जो 90% इस तरीके से करते हों, पर वो डिपेंड करेगा उस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी मेरे से भी, तो डिपेंड सारा आपकी प्रैक्टिस पे करेगा। अब मैंने देखा 2 से 3 यानी 3/2 गुणा कर दिया, 9/2 25/4, तो आपने देखा ये 18 आ गया, ये 25 आ गया, 18 25, मैं लिख नहीं रहा पर आप समझ रहे हैं, 18 25 यानी 43, 43 की वैल्यू 43,000, 25 की वैल्यू 25,000, 25,000 क्या आ गई, इस साल की बी की सैलरी आ गई, 5 की वैल्यू 25,000, 4 की सैलरी 20,000, 20,000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक आदमी एक महिला और एक बच्चे के द्वारा किए जाने वाले काम का अनुपात 3:2:1 है, यदि 20 महिलाएं 20 आदमी 30 महिलाएं और 36 बच्चे फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनका साप्ताहिक खर्चा 780 रुपये हो जाता है, जो उनके द्वारा किए जाने वाले काम के अनुपात में बढ़ता है। तो 15 आदमी 21 महिलाएं और 30 बच्चों का 2 सप्ताह का कुल भत्ता कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ही लिखा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर डिपेंड करेगा हैबिट पे, अगेन मैं कहता हूं, ठीक है। हैबिट अगर है तो देखिए दिमाग से बढ़ के तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है, और वो दिमाग किसी का भी लग सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है जो आज तक नहीं हुआ आगे कभी नहीं होगा, कोई भी बच्चा अपने आप में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मेन बात है उसका ध्यान किस तरफ है और हैबिट किस तरीके की है। अगर मैं देखता हूँ, देखिए क्वेश्चन बेसिकली आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन को करना क्या होता है, एफिशिएंसी मुझे पता है, इतने लोग काम कर रहे हैं, अब आपने देखा एफिशिएंसी पता है, लोगों का पता है, कुल काम निकाल लेंगे, फिर ये पता लग जाएगा इतने काम के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं, तो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये निकालेंगे इतने काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे। आइए देखते हैं इसी चीज को सीधा दिमाग से, 20 30 60, 30 2 60 120 हो गया, 156 हो गया, 156 काम के लिए पैसे मिल रहे हैं 780 रुपये, यानी 5 गुना, यानी मेरे को एक बात पता लग गई, जो पैसे मिलेंगे ना वो 5 गुना मिलेंगे, ठीक है, जितना भी काम होगा। इतनी बात से मैं इतना समझ गया, देखिए इतना तो आप घर पे अपने आप भी कर सकते हैं ना यार, देखिए कोई आपके पीछे वैसे तो पड़ेगा नहीं ना कि भाई डंडा लेके बैठा कोई एक एक बात आपसे पूछ रहा है कि हाँ बताइए 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 बताइए, आप खुद भी सोच सकते हैं कि फाइनली पेपर में मुझे बैठना है, सिलेक्शन मुझे लेना है,
तो क्यों ना मैं अपने लिए खुद ही सीरियस हो जाऊं, कुछ 5-6 महीने की तो बात है, 5-6 महीने में कोई भी बच्चा जीरो से लेके सिलेक्शन ले सकता है बहुत आराम से, पर विल पावर चाहिए उसकी। अब देखिए हमने ये देखा कि 1 से 5 गुना हो गया, यानी मुझे पता लगा जितना भी काम होगा उसका 5 गुना पैसा मिलेगा। अगर आप देखते हैं इससे काम निकालते हैं, अगर 45, 42, 87 हो गया, 117 हो गया, प्लस 30, 45, 42 और 30। अब देखिए मेन बात तो यही आ गई ना कि जो हमने 45 देखा उसके बाद 42 देखा, जब तक आप 42 देखेंगे ना 45 गायब हो जाएगा, फिर अगली बार जब 30 पे पहुंचेंगे तो 45 और 40 दोनों गायब हो जाएगा, 42 दोनों गायब हो जाएगा। तो मेन कहानी यही है कि इसको रिटेन कैसे करना है। मैंने बता तो दिया कि भाई हाँ वीडियो तो आपने देख ली कि भाई हाँ इस तरीके से सीधा सीधा आंसर निकल लें, पर इतना आसान नहीं है टास्क। टास्क शुरू होगा बिल्कुल जीरो से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं करवाऊंगा पर आपको विल पावर बनाइए, पहले वीडियो देख के पहले मन बनाइए कि मुझे ऐसा करना भी है नहीं करना है। तो आपने देखा इसके अंदर, दोबारा से कर लेता हूं मैं, 15, 45, 42, 87 और 30, 117 117 काम हो गया, पर 117 काम तो एक दिन का हुआ, एक हफ्ते का, यहाँ पर 2 हफ्ते की बात हो रही है। 117 का दूना 234, 234 का 5 गुना, जब मैं देखता हूँ 234 है और 5 गुना है, 234 का 5 गुना यानी 1000 से तो ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही ऑप्शन है सीधा आंसर हो जाएगा। अगर सीधा नहीं भी होता, 234 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, 205,000, 305,150, 1150, 420, 1170, 1170 मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए लिखा नहीं मैंने कुछ और आंसर आपके सामने है। चीज़ें दिखने में जितनी चमकती हुई दिखती है ना आपको, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर केवल मेहनत करनी है घर पे कि हाँ कितनी बड़ी बात है, वही चीज़ तो है जो मैं आज तक ये कर रहा था। अगर मैं क्लास में लिखवाता हूँ ये कि भाई 3, 2, 1 ये एफिशिएंसी हो गई, पर्सन्स हो गए 20, 30, 36, 60, 60, 36, ये आप लिखते रहेंगे, 156 यूनिट इसकी वैल्यू 780 आ गई, फिर आपने इसे लिखा 15, 21, 30, समझाने के लिए बहुत बढ़िया है देखिए, पर करने के लिए नहीं मानता मैं। ये आ गया 117 तो एक हफ्ते का है, 2 हफ्ते का कितना हो गया 234, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है जो कि 1170 आ जाएगी, 5 गुना हो जाएगा। ये पूरी कहानी लिखी है आपने और यही डिफरेंस है, देखिए मेन डिफरेंस यही तो अटक रहा है। चीज़ें हम कर रहे हैं, चीज़ें हमें आती हैं, क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें आते हैं, पर क्या समय के हिसाब से आते हैं? समय के हिसाब से आ सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, केवल खुद की ज़रूरत है। खुद को विश्वास करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है? इसलिए आज की वीडियो देखिए मैंने स्पेशली खास इसलिए बनाई है कि आप लोग इस चीज़ को खास तरीके से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे कोई बोलेगा नहीं, जब आपको टाइम लगता रहेगा ना आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सिलेक्शन कहाँ रुक रहा है। सिलेक्शन रुक रहा है आपका खुद पर ही, कि आप खुद पे काम कम कर रहे हैं, केवल विश्वास कर रहे हैं टीचर्स पे, ठीक है? टीचर्स पे विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, पर खुद पे विश्वास जब तक नहीं होगा कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। एक फैक्ट्री में 100 कुशल अकुशल कामगार और क्लर्क का अनुपात 8:5:1 है और उनकी मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है
जब 20 अकुशल वर्कर को, कामगार को काम पर लगाया जाता है, तो उनका कुल भत्ता तीन हजार 180 पाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग की कामगारों की दैनिक मजदूरी क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर आप देखते हैं, ध्यान से हमें देखना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं, अगर मैं ये देखता हूं, आपको जो निकालना है टोटल वेजेस निकालना है। टोटल वेजेस कैसे निकलता है कि डेली का कितना पैसा मिलता है और कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको दे रखा है 20 अनस्किल्ड वर्कर है, यानी इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, 5 यूनिट की। पर आप अगर आप देखते हैं, और निकालना भी यही वाला पार्ट है, एक इंडिविजुअली निकालना है। अगर मैं करने का तरीका देखता हूं, 8 5 1 5 की वैल्यू 20, 8 की 32, 1 की 4, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इनकी संख्या का अनुपात 5 2 3, इसका रेशियो निकाल लिया आपने। रेशियो निकालने के बाद आपने सॉल्व कर लिया, और इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपने निकाल लिया। अब ध्यान से मेरी एक बहुत समझदारी वाली बात समझिएगा, अगर ये 8 5 1 है, 5 की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि मेरे को यहाँ क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। 5 की वैल्यू 20 हो, 200 हो, 40 हो, 80 हो, इससे आपका रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x से होगा और ये भी x से होगा, और फाइनली x x x कट जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या देखना है, अगर मेरे को फाइनल रेशियो निकालना है, मैं सीधा देखता हूँ, 8 5 40, 5 2 10, 3 1 3, ठीक है, 40 10 और 3, 40 10, 40 10 से आपको 4:1 दिखना चाहिए। 4:1 मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं किया मैंने। और इसी को अगर मेरे को बनाना भी है, मैं नहीं कर रहा ऑप्शन से, ठीक है, कई बच्चे ये कहते हैं या कई टीचर ऐसा कहते हैं ऑप्शन से नहीं होता, ऑप्शन से नहीं होता, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं करता ऑप्शन से, चलिए ठीक है। अब हम करेंगे किससे, दिमाग से करेंगे। दिमाग पे तो देखिए किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना, दिमाग किसी का कोई नहीं छीन सकता। 40 10 3, 40 10 3 का मतलब हो गया 53। 53 की वैल्यू आपको दे रखी है 3180, यानी 60 गुना, 40 का 60 गुना, 10 का 60 गुना, 3 का 60 गुना, 2400, 600 और 180। आप मेन बात जो ऑब्जर्व करने वाले ना, आपने आज सारी वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो मेन बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि जो भी चीज मैं कर रहा हूं ना, जो कैलकुलेशन मैंने करी, जैसे कि मैंने देखा 8 5 40, 5 2 10, 1 3 3, तो ये चीज मेरे दिमाग में रिटेन रही, मैंने कहीं और नहीं लिखी। देखिए आपके सामने वीडियो चल रही है बिल्कुल, पर मैंने कहीं लिखी नहीं इसे, और वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में लिख दी गई कि भाई 40 होगा, 10 होगा और 3 होगा, 40 10 50 और 3 53 हो जाएगा, 53 की वैल्यू 3180 हो जाएगी, जो कि 60 गुना होगी, क्योंकि 5 6 30 होता है, 3 6 18 होता है, तो 60 गुना हो गया। पहले वाले का 60 गुना, दूसरे वाले का 60 गुना, तीसरे वाले का 60 गुना। अब तो मैंने ऑप्शन से भी नहीं किया, तो देखिए जिसके पास ताकत है सब चीज की,
यानी जो दिमाग से सोच सकता है, दिमाग में कैलकुलेशन रख सकता है, उसका सिलेक्शन तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आपको भी आज की क्लास इसलिए दिखाई गई कि आपको ये हैबिट डालनी है। मैंने एक तरीका नहीं बनाया ये वाला, ठीक है, हमने सीधा ही देखा है, आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है। अब हम बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे आगे वाले आने वाले सेशंस में। आज तो आपने केवल ये देखा है फायदा क्या क्या हो सकता है, और अभी केवल रेशियो का ही देखा है, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, एक एक चैप्टर में सभी पे लाऊंगा मैं। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ला सकते, पर ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि भाई अगर आप कोशिश करें तो कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, ज्योमेट्री पे भी लाएंगे, मेंसुरेशन पे भी लाएंगे। पर मेन बात यह है पहले सीखेंगे, आज तो केवल दिखाया गया कि ये होता है, ये होता कैसे है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और मेन बात यह है कि आप अगर आज ही कोशिश करें, मान लेते हैं आज आप 100 क्वेश्चन घर पे करते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे करिएगा कि मेरे को यूं बैठना है, बुक सामने रखनी है और देखना है। अगर आप बुक सामने रख के यूं बैठ के आराम से देखते हैं, गलत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज गलत होगा, 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद होगा, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते से ज़्यादा तो गलत भी नहीं हो सकता। तो देखिए आगे आने वाले सेशन में इसी चीज़ पे काम करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगे तो, और अच्छी नहीं लगे तो देखिए शेयर करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अच्छी लगेगी तो ही आपको शेयर करना है। आज के लिए इतना ही करेंगे, जय हिंद।